दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज म्यूचुअल फंड को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं होम लोन को फ्री में रीपे करने के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, जब हम कोई होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन की अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिलाकर जो हमको टोटल अमाउंट पे करनी पड़ती है, आपको पता ही है बहुत ज्यादा ऊंची अमाउंट होती है, उसको रीपे करते वक्त में हमारे को कई बार ये डिसीजन सोचना पड़ता है कि क्या घर खरीदा जाए या फिर रेंट में रहा जाए। तो इस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आज हम म्यूचुअल फंड की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो जहां पे हमारा होम लोन रीपे हो जाएगा एक नॉर्मल एसआईपी के थ्रू, जो कि हमारी रेगुलर इन्वेस्टमेंट के 1/4 से भी कम हम अमाउंट को, जो मंथली ईएमआई है उसके 1/4 से भी कम हम इन्वेस्ट करेंगे अपने एक रेगुलर एसआईपी के अंदर में। और पूरी मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट हमारी ही रीपे हो जाएगी हमारी एसआईपी के थ्रू। और मतलब जो होम लोन लिया वो पूरा का पूरा हो गया आपका। हाँ, मतलब एक घर बना सकते हैं आप आज की तारीख में निश्चिंत हुए हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट का बर्डन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसी को कवर करते हुए हम आज की वीडियो बनाएंगे और वीडियो को रखेंगे टू द पॉइंट। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जिससे कि हमारा आपस में कनेक्शन बना रहे। मैं ऊपर से आपको बोनस में ये भी बताऊंगा कौन सी ऐसी एसआईपी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपए है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इजीली जो हमारा एग्जाम्पल में जो नंबर्स दिए गए हैं उसको पा सकते हैं। तो सीधा पॉइंट में आते हैं, एसआईपी फॉर होम लोन, मतलब एसआईपी के थ्रू किस तरह से होम लोन को रीपे करा जा सकता है फ्री में, मतलब बिना पैसा चुकाए आप होम लोन लें और घर घर हो जाए आपका। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा, कि किसी इंसान ने 25 लाख रुपए का लोन लेता है होम लोन के रिगार्ड में, 20 साल का टेन्योर लेते हैं जनरली आमतौर पे, जो 20 से 25 साल तक का लगता है। हम 20 साल का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं, 9% के अराउंड का इंटरेस्ट रेट आज की तारीख में प्रिवेलिंग है। ये मे भी इससे ऊपर भी जा सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोर लेस इसी के आसपास चलता है, 8.5% भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी जा रही है, बहुत सून जैसे ही रिकवरी होती है मार्केट की, तो 9% 9.5 समथिंग चलेगा। यहाँ पे अगर आप 20 साल के लिए 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं 9% की ईएमआई पे, तो आपकी 9% इंटरेस्ट में, तो आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 22,493 रुपये महीने की, 22,493 रुपए की मंथली ईएमआई, जिसके ऊपर में अगर आप पूरा टेन्योर पूरा करते हैं 20 साल तक इस ईएमआई को देते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट ना हो, ऊपर ना जाए, तो आपको वो टोटल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस सालों के बीच में लगभग 28,98,000 रुपये। मतलब आपने लोन लिया 25 लाख का, 28,98,000 रुपये का आप इंटरेस्ट रीपे करेंगे बैंक को, जिसमें आपकी टोटल जो पेमेंट हो जाएगी 53,98,000 रुपये की आप पेमेंट कर देंगे बैंक को। ठीक है, अब यहीं पे हम इसको सोचें कि किस तरह से हम इसको और नेक टू नेक कवर कर सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट लेके चलता हूं कि सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने इसी को नलीफाई करने के लिए ईएमआई वाली एसआईपी लेने की सोची, म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करना शुरू करा। इसके 1/4 से भी कम मैं 5,000 रुपए की एसआईपी करता हूँ। एसआईपी बहुत सिंपल है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो होम लोन की पेमेंट आपको आ रही है मंथली, वो 22,000 की जगह 27,000 रुपए की आ गई है। जहाँ 22 पे कर सकते हैं वहां 27 पे कर सकते हैं, तो आप 5,000 रुपए की एसआईपी पैरेलली सेम टाइम पे लीजिए। मैं इसके लिए आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक आपको वक्त के साथ में जैसे ही आप लोन लेते हैं तो आपको बोलता है आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए हमारे से। इस इंश्योरेंस में क्या होगा, कल को खुदा ना खास्ता कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या आप ना रहे, तो आपका होम लोन हम रीपे कर देंगे। जबकि उस तरीके के इंश्योरेंस को कभी ना लें। रीजन क्या है, उसमें आपकी एक अमाउंट फिक्स हो जाती है जो आप बैंक को पे करते हैं, और जो भी रिटर्नेबल अमाउंट होती है वो रिड्यूसिंग रहती है, क्योंकि वो होम लोन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो बैंक को रीपे करना होगा वो 25 लाख रुपए करना होगा। सपोज करिए कि पहले साल में सब कुछ अच्छा जाता है, 15 साल बीतने के बाद में आप 15 साल पे करते हैं, तो आप होम लोन चुका चुके होंगे और उसमें जो आपके अमाउंट तो जा रही है लेकिन जो आपको सिक्योरिटी मिल रही है उस इंश्योरेंस के थ्रू, तो वहां पे कितने की मिल रही है, 5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, हर साल की आपकी सिक्योरिटी कम होती जा रही है और मंथली रीपेमेंट सेम रहती है, और आपको मिला क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अश्योरेंस की आपकी तरफ से ये रीपे कर देंगे। जबकि एसआईपी के थ्रू देखिए मैं आपको कितना फायदा बताता हूँ, कि आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, हम मान के चलते हैं 13% का रिटर्न हम अर्न कर सकते हैं। 13% मैंने बहुत ही एवरेज साइड में लिया है, अगर आप अच्छी एसआईपी में कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं बेसिक रूल को तो आप उसको कवर कर सकते हैं इजिली। ये इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मैंने सेम ली है, 20 साल का लोन है, तो 20 साल के लिए अगर मैं एसआईपी करता हूँ और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं अगर 20 साल के लिए रखता हूँ 5,000 रुपए की एसआईपी, तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है
सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैं ये अपने 13% की इंटरेस्ट अर्निंग कर पाता हूँ इसके अंदर में रिटर्न में, तो मेरी टोटल वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी लगभग 56,66,000 रुपये। बिल्कुल सही समझा, 20 साल तक आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, 13% का इंटरेस्ट अर्न कर पाते हैं, तो आपको मिलता है 56,66,000 रुपये। और आपने होम लोन पे करना था 53,98,000 रुपये विद इंटरेस्ट, जहां पे 22,000 रुपये महीने के आप दे रहे थे बैंक को। अब आपके पास में सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 56,66,000 रुपये आपके हाथ में बच गए, मतलब बैंक को देने के बाद में भी ये आपके पास में पूरा इतना पैसा बच गया। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि जो होम लोन की रीपेमेंट करी आपको पता ही नहीं चला कि आपने रीपेमेंट करी, क्योंकि उतना पैसा आपके पास आ चुका है, बल्कि उससे 3 लाख रुपए ज्यादा ही आपके पास में आया है। तो होम लोन जो आपने पे करा, जो भी ब्याज आपने सहा, सारा कुछ नलीफाई हो जाता है, आपको घर पड़ जाता है लगभग फ्री, अगर आप दोनों का नेट इफेक्ट देखते हैं, जो आपके हाथ में पैसा बचेगा और जो आपके हाथ से जा चुका है, अगर दोनों को नेट करेंगे तो आपके हाथ में लगभग लगभग 3 लाख रुपए फालतू बच जाएगा। हाँ, और आपने कुछ भी नहीं दिया अपनी तरफ से। बिल्कुल सही, यहाँ पे आपने 22,000 रुपये करके दिया, 5-5 हज़ार करके इन्वेस्ट करा, जो वापस मिल गया आपको, तो आपके पास में क्या आ गया, बिल्कुल जितना पैसा आपने दिया था वो सारा का सारा पैसा वापस आ गया, बैंक को दिया हुआ पैसा, और घर भी आपका हो गया। और 20 साल के अंदर में अपनी होम लोन प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन देखेंगे तो फिनोमिनल है, वहां पे भी आपको डबल फायदा होगा। इस तरीके से आप होम लोन को लगभग फ्री कर सकते हैं अपनी EMI के थ्रू। अब हम बात आते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते रहते हैं जाते रहते हैं, कौन से ऐसे फंड है जो आपको 13% तक के रिटर्न बताए। मैंने बहुत ही मिनिमम साइड में बताया है एग्जाम्पल में, आप कहीं भी वीडियो देखेंगे तो आपको 17%, 18%, 20% का एग्जाम्पल देते हैं, जो क्वाइट पॉसिबल है, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि उतार चढ़ाव के संग में एवरेज आउट होकर 13% तक की रिटर्न तो एटलीस्ट आप ले सकते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो कौन से 3 म्यूचुअल फंड है जहाँ आप इन्वेस्ट करें, तो पहले नंबर पर आएगा आपका मेरा ही एसेट इमर्जिंग बेल ब्लू चिप फंड। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशो काफी कम है, 0.83% के एक्सपेंस रेशो है। और मैं अगर 2013 से, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आज तक की इंसेप्शन से अभी तक की CAGR, मतलब पर एनम रिटर्न देख, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 23.54 23.54% की रिटर्न दी है इसने जब से इंसेप्शन हुआ, जब से लॉन्च हुआ है अभी तक की CAGR के अकॉर्डिंग मान के चलूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 23% की रिटर्न की बात हो रही है, मैं सिर्फ 13% की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एक देखें HDFC इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान। इंडेक्स फंड को इसलिए बताता हूँ क्योंकि मार्केट के अंदर में लेते हैं, सेंसेक्स प्लान के अंदर में बात करी गई है, ये आपको बहुत ही सेफर साइड में रिटर्न देता है। यहाँ पे भी अगर मैं 2013 से इसको कंपेयर करूँ अभी तक के लिए 12.81%, मतलब लगभग 13% की रिटर्न दी है इसने, और यहाँ पे 0.1% की एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत 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 कम है, इससे कम नहीं मिलेगी आपको पूरी मार्केट के अंदर में। एक इंडेक्स फंड आपको लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी देता है, 13% की रिटर्न बहुत ही आसानी से आप पा सकते हैं अगर आप अपने सेंसेक्स की ग्रोथ देखेंगे, ओवर द ईयर का डाटा निकालेंगे पिछले 20-40 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न बहुत, मैंने मिनिमम साइड में बताइए 16-17% की रिटर्न आती है आपके इंडेक्स फंड के अंदर में लॉन्ग टर्म में। मैं सिर्फ 2013 से कंपेयर करता जा रहा हूं, तो मैंने इसलिए यहां पे आपको 13% बताइए। इसके अलावा एक एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, नाम स्मॉल कैप है लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात करता हूं, 2013 से अगर मैं आज तक की बात करता हूं तो 23.77% की CAGR, मतलब पर ईयर की रिटर्न इसने दिए। ये 3 फंड है, मेरा ये एसेट इमर्जिंग फंड, HDFC इंडेक्स फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिनके थ्रू आप 13% के रिटर्न आराम से कमा सकते हैं। जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं होम लोन की EMI में, वो आपको भी पता है कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेम टाइम पे आप अच्छी सी एक SIP लेते हैं पैरेलल टाइम पे, अपनी टोटल EMI का 1/4 से भी कम EMI करने पे आप आराम से होम लोन को फ्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी थी, आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।